पुए बन रहे हैं, पुए इसे पहाड़ी में पुए कहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और आलू को नष्ट, आलू की जो खेती है उसको पूरा बर्बाद कर दिया, और पापा जो हैं इसको ऊपर छत पे रख के आएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू ललित गिरी व्लॉग्स, और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ़िलहाल जो है अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैं पहाड़ों में हूँ, और पहाड़ों में कल ही मैं आया, और अब जो है सुबह की तैयारी हो रही है। सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम है यहाँ पे, सर्दियों का टाइम है, और आप देख सकते हो पीछे कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। तो आज का व्लॉग जो है अब हम शुरू करते हैं यहाँ पहाड़ों से। और सुबह ब्रश करने का मज़ा ही यहाँ पे अलग है। सवेरे सवेरे जो है आप पहाड़ों की वादियों में हैं और ब्रश कर रहे हो, सोचो क्या मज़ा आता है। तो कल सुबह जो है मैं यहाँ पे आया था, और यहाँ पे जो है मौसम बहुत बढ़िया है। दिल्ली में जितनी ठंड हो रही है उसके मुकाबले यहाँ पे ठंड इतनी लग नहीं रही है। और गाइस यहाँ पे देखिए ये खेत को, और इस खेत में जो है हमने आलू उगाए थे, आप यहाँ पे देखोगे आलू की फसल हुई थी। तो कल सुबह जब मैं आया तो पिताजी ने मेरे ये बताया कि यहाँ पे जो है आलू लगाए थे, और कोई सुअर या सियार जो है यहाँ पर आया और आलू को नष्ट, आलू की जो खेती है उसको पूरा बर्बाद कर दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने जो बचे हुए आलू थे वो निकाल लिए, और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ मटर कैसी हो रही है। तो ये देखो गाइस यहाँ पर ये मटर जो है फ़िलहाल बढ़ती हुई धीरे धीरे, और मटर जो है अंदर से बिल्कुल आप देखोगे ये एकदम अभी इसका आकार जो है बिल्कुल एकदम प्लेन है, कोई इसके अंदर बीज नहीं है मटर का। फ़िलहाल ऐसे मटर के पौधे में फूल होते हैं, अगर आप देखोगे ऐसे फूल होते हैं मटर के पौधे में। ऐसा पौधा मटर का होता है, जिन लोगों ने मटर खाई है और मटर का पौधा नहीं देखा है, मैंने भी ये मटर का पौधा पहले नहीं देखा था। ये देखो यहाँ पे देखो ये जो मटर है पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो इसी तरीके से चिड़िया ये खरगोश वगैरह सब मटर को बर्बाद करने में भी लगे रहते हैं। ये जो है रसोई की खिड़की है, ये डंडा जो है इस डंडे को यहाँ पे अटकाऊंगा ताकि ऊपर को जाए, ऐसे ऐसे करके जो है मैंने अटका दिया, अब जो है रोशनी अंदर जाएगी। तो फिलहाल जो है यहाँ पे हम पीते हैं जूस, ये जूस देखिए, ये जूस जो है हमने बनाया है बेतड़ के पत्तों से, इसमें और भी चीज़ें डली हुई है, अदरक, काली मिर्च और एलोवेरा। तो गाइस ये है हमारा घर, दो मंजिला मकान हमने यहाँ पे बनाया है रिसेंटली, दो तीन साल हो गए। और इस घर के चारों तरफ आप देखोगे ऊपर पहाड़ है, ये पूरा जंगल है, ये एरिया जो है पूरा जंगल है ऊपर की तरफ, और यहाँ से पहाड़ है। ये बगल में हमारे एक प्राथमिक विद्यालय है, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, और यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं क्लास एक से लेके क्लास पाँच तक। और यहाँ पे आप ये पूरा देखोगे पूरा पहाड़ ही पहाड़ फैला हुआ है, वहाँ पे एक अगर आप देख आपको दिख रहा है तो एक मकान है। इस कंटर के अंदर पता है क्या है, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और ये जो चीज़ है ये देख लो, ये अगर आप गैस कर सको तो इसे कहते हैं लीसा, चीड़ के पेड़ से निकलता है ये, और बहुत ही काम आता है। इस समय ये सूख गया है, ये देखो मेरी मम्मी जो है इसको निकाल रही है हल्का हल्का हाथों से, इतना काफ़ी है, इतना है, इससे आग नहीं जलेगी, ज़्यादा निकालना पड़ेगा। ये दो दिन निकालना है, वाले खेत में पड़ा हुआ था, अरे वो दातुल, हाँ दातुल टूटा हुआ जो था वो पैना सा, ये ले इसको लगा और ये निकाल के मम्मी ने लकड़ी से इसमें लगा दिया, बस लगा ये ले,
मार्चिस सॉरी, और मार्चिस को बोलते हैं गांव में सलाई, जिसको भाइयों को पता है। तो ये देखिए अब इसमें आग लगा दिए, अब देखो कैसे पकड़ेगी आग। बट फिलहाल देखो ये चूल्हे में हमने आग लगाई है, और ये लीसा देख रहे हो अपने आप आग पकड़ रहा है सूखी हुई लकड़ी में। ये छिलुक, छिलुक, और इसके साथ ये देखो ये छिलुक भी लगा दिया, ये भी चीड़ के पेड़ का प्रोडक्ट है। तो छिलुक, लीसा, चीड़ के पेड़ से सब आए हैं। तो गाइस ये देखो आग देखो कैसे पकड़ने लगी अपने आप, कुछ नहीं करा इसके अंदर, सिर्फ वो दो चीज़ें लगाई, लीसा और छिलुक। देखो कैसे आग पकड़ रहा है, उसी जगह पे आग पकड़ रहा है जहाँ पे हमने डाला था, भयंकर तरीके से। नेचुरल तरीके से आग जलेगी, और ये पानी जो है मैं यूज़ करूँगा नहाने के लिए। तो शुद्ध पानी, शुद्ध आग और शुद्ध बर्तन में पुए बन रहे हैं। पुए जिसे पहाड़ी में पुए कहते हैं, तो होता है पकौड़ी की तरह है, लेकिन गुड़ डाला है तो मीठा मीठा होगा। तो इसके अंदर डाला क्या क्या है, चावल और गुड़, गुड़ और आटा है, चावल का आटा है, चावल का आटा, हाँ गुड़ डाला है बस। अच्छा, तो इसमें जो है चावल का आटा है और गुड़ है, और पानी, पानी के साथ मिक्स कर दिया बस, सिंपल। और इसको तेल में जो है फ्राई कर रहे हैं, देखो कितना आसान है और खाने में इतना स्वादिष्ट होता है, ज़बरदस्त। तो आज जो है सुबह का नाश्ता जो हमारा होगा वो इसका होगा। तो आज जो है ये सग्यान बना रहे हैं कौवे की, और ये देखो गाइस कैसे भुन के जो हैं अब ये कैसे लाल पीले टाइप के हो गए हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है कौवों के लिए है प्रसाद, इसमें जो है ये हलवा है, और केला डाला हुआ है, कुछ फ्रूट डाले हुए हैं, और ये जो पकौड़ी डाली हुई है, और ये पकौड़ी डाली हुई है चावल की, चावल के आटे की। और पापा जो हैं इसको ऊपर छत पे रख के आएंगे, और ये सिर्फ कौवे के लिए होता है। कितने दिनों के बाद मकर संक्रांति, कितने दिनों बाद, 3 दिन के बाद। तो 3 दिन के बाद मकर संक्रांति के हम लोग ये जो प्रसाद है ये कौवों को खिलाया जाता है। तो दोस्तों अब जो है मैं भी ये जो प्रसाद है वो खाता हूँ, वही पकौड़ी जो मैंने आपको दिखाई कैसे बन रही थी। तो यहाँ पे लैपटॉप भी खुला हुआ है और पकौड़ियाँ भी रखी हुई हैं, सामने से धूप आ रही है हल्की हल्की, और यहाँ देखोगे तो पूरी धूप अंदर को आ रही है। और फिलहाल जो है मैं काम वाम पे लगता हूँ, और आप इस चैनल में बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना प्यार बांटते रहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 12:10 हो गए हैं, और इस समय मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ।